सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे 92। ओके जी, चलें ठीक है, अच्छी बात है अगर आप सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। हमारा जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आज इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट करेंगे और अबेटमेंट वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलें अच्छी बात है, छत पर लेकिन बारिशों का सीजन है। अच्छा जी, सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ even without that person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for that thing to be done with benefit. कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी की मर्जी किसी की कंसेंट लिए बगैर किया गया है, गुड फेथ में किया गया है और उस शख्स के बेनिफिट के लिए किया गया है, तो सेक्शन 92 कहता है कि ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इसकी अगर एग्जांपल ले ली जाए, जिस तरह एक्सीडेंट है या फिर किसी भी तरह को कोई भी किसी के साथ मिसहैप हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो फौरी तौर पे हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन अमूमन देखने में क्या आया है कि डॉक्टर्स हाथ नहीं लगाते कि जब तक पुलिस नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये पुलिस केस है, पुलिस आएगी तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 92 के तहत अगर डॉक्टर्स चाहें तो वो उसका बर वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अपटेनिंग एनी कंसेंट। कोई भी पर्सन, चाहे वो खुद है, खुद अब बेहोशी की हालत में कंसेंट नहीं दे सकता, उसके साथ उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है जिसकी कंसेंट ली जा सकती हो, कोई गार्डियन, पेरेंट्स, दोस्त, कुछ भी नहीं, तो ऐसी हालत में अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है उसकी जान बचाने के लिए, बेशक उसकी डेथ हो जाए, लेकिन अगर वर वक्त उसका ट्रीटमेंट भी करने के लिए डॉक्टर्स उसको हाथ डालते हैं, तो फिर भी उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। लेकिन अमूमन डॉक्टर्स इस चीज से अवॉइड करते हैं, नजर आते हैं। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 93 पे, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू होम इट इज मेड if it is made for the benefit of that person। इसकी example एक doctor की ही same ली जा सकती है। कोई भी doctor किसी patient को उसको treat करता है, या फिर अगर कोई बीमारी diagnose करता है और उसे बताता है, क्योंकि patient का ये हक है या उसके लवाहिकीन का कि उसकी बीमारी के बारे में पता हो। अब अगर उसे बीमारी के बारे में बता दिया जाता है कि तुम्हें कैंसर है या तुम्हें फलां खतरनाक बीमारी है, तो जो तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, और ये खबर सुनते ही अगर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उस डॉक्टर ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। जी प्रैक्टिकली ऐसा करते नहीं है, वही मैंने आपको पहले बता दिया, प्रैक्टिकली डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते। पुलिस का इंतजार किया जाता है कि जी पुलिस केस है, पुलिस आके जो भी इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है करे, उसके बाद फिर हम इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन सेक्शन 92 के तहत अगर वो करें तो उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। ये सिर्फ वो क्या कहते हैं, बखेड़े में पड़ने की बजाय वो रास्ता इख्तियार करते हैं फरार का। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 94 पे, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। हमारे पास एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जाती है कंपल्शन, वो सेक्शन 94 के तहत ही। कंपल्शन अक्सर क्वेश्चन आता है, नेसेसिटी क्या है, कंसेंट क्या है, कंपल्शन क्या है, जनरल एक्सेप्शन में से।
तो कंपल्शन वाला जो पोर्शन है वो सेक्शन 94 है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। दो ऑफेंसेस निकाल दें, मर्डर को भी निकाल दें और उन ऑफेंसेस को भी निकाल दें जो के स्टेट के खिलाफ हैं और पनिशेबल विद डेथ हैं। इन दोनों को निकालने के बाद नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द अप्रिहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर किसी भी शख्स को मौत की, जान से मारने की धमकी देकर कोई ऑफेंस करवाया जाता है अंडर कंपल्शन, उसको कंपेल करके थ्रेट के साथ धमकी देके डरा धमका के अगर कोई ऑफेंस कमिट करवाया जाता है तो उस शख्स ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन वो ऑफेंस ना तो मर्डर होना चाहिए और ना ही कोई ऐसा ऑफेंस जो के स्टेट के खिलाफ हो और जिसकी सजा डेथ हो। स्टेट के खिलाफ क्योंकि अमूमन कंसेप्ट ये होता है कि जी मुल्क के लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है, तो मुल्क के खिलाफ अगर कोई एक्ट करने के लिए कहे तो वहां पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जान की कुर्बानी दे दी जाएगी लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है, किसी ने धमकी दी जान से मार डालेंगे वरना फला फौज के फला जो राज हैं वो चुरा के हमें दे दिए जाएं, तो यहाँ एक्सक्यूज नहीं है। या फिर किसी को मारने के लिए थ्रेट किया जाए, फला को कत्ल कर दो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर भी उसे कोई एक्सक्यूज नहीं दिया गया। Provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रख दी गई है कि जिस सिचुएशन में वो चला जाता है, जिस सिचुएशन में वो गिरफ्तार हो चुका है कि उसे थ्रेट किया जा रहा है, उसने जानबूझकर या अपनी गलती या बेवकूफी से अपने आप को इस सिचुएशन में ना डाला हो, एक्सप्लेनेशन नंबर वन इसकी पढ़ेंगे ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय द रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइंस अ गैंग ऑफ डेकॉयट्स। अगर एक शख्स को मारा पीटा जाता है, कंपेल किया जाता है, थ्रेट किया जाता है और वो उस खौफ से कि मुझे मारा ना जाए या मुझे खौफजदा ना किया जाए, वो एक डाकुओं का गैंग ज्वाइन कर लेता है, नोइंग देयर करैक्टर, जानते बूझते हुए ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय हिज एसोसिएट्स टू डू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय द लॉ। अब डाकू अगर उसको साथ मिलाते हैं कंपेल करके उसको मारने का या फिर उसे उसको खौफ दिला के किसी भी तरह का, तो यहाँ पे जस्टिफाइबल नहीं है कि वो जानते बूझते उनके गैंग को ज्वाइन कर ले, यहाँ सेक्शन 94 अप्लाई नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन एक्सप्लेनेशन नंबर टू पे चलते हैं। अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकैट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ to do a thing which is an offense by the law, for example a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter and plunder, it is entitled to the benefit of this exception। ab yahan pe jo offense commit karne ke liye kaha ja raha hai wo dakaiti hai, ek sunyara hai, apna jo smith hai, lohar hai, उसको मजबूर किया जाता है गन पॉइंट पे कि फलां शख्स फलां के घर में घुसना है लिहाजा उसके दरवाजे का ताला तोड़ो या उसको खोलो किसी तरीके से भी। अब वो अगर शख्स साथ जाता है तिजोरियां खोलने के लिए या लूटमार करने के लिए, प्लंडर मीन्स लूटमार करना, लूटमार करने के लिए अगर उसको डरा धमका के जान से मारने का खौफ दिला के साथ लेके जाते हैं, तो यहाँ वो कहता है कि सेक्शन 94 जो है वो एप्लीकेबल होगा क्योंकि उसे फोर्स करके लेके जाया जा रहा है और वो मजबूर है उनके साथ जाके दरवाजे खोलने पे या तिजोरियां खोलने पे। हालांकि तिजोरियां खोलना भी एक ऑफेंस है लेकिन इसमें मर्डर इन्वॉल्व नहीं है या इसमें कोई ऐसा ऑफेंस इन्वॉल्व नहीं है
जो कि स्टेट के खिलाफ है, और इस स्मिथ ने अपने आप को जानबूझकर इस सिचुएशन में नहीं डाला है। उसके बाद है सेक्शन 95 एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म मामूली सा जख्म। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय द रीजन दैट इट काजेस और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नाउन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेंपर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। जाते जाते रास्ते में किसी गाड़ी के साथ कोई गाड़ी जा रही है, जाते जाते आप थोड़ा सा उसके साथ कोई रगड़ लग जाती है, आपके बाजू पे कोई खराश आ जाती है, तो कहता है कि ऐसी मामूली सी खराश के लिए भी आप किसी के खिलाफ कोई पर्चा या इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, वो भी कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया जो ऐसे ही जाते जाते अगर कोई मामूली सी खराश लग गई है तो, क्योंकि अमूमन खराश लगे तो हम किसी के खिलाफ पर्चा थोड़ी कटवाने चले जाते हैं। देन हम चलते हैं सेक्शन 96 पे। ये हमारा अगेन एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्राइवेट डिफेंस का, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत इम्पॉर्टेंट है और अक्सर ही इसमें से कोई ना कोई चीज लाजमी आ जाती है, चाहे पीपीएससी के थ्रू एग्जाम्स हो रहे हों या फिर हाई कोर्ट की तरफ से हो रहे हों, तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करिएगा। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. कोई चीज, कोई भी ऐसा एक्ट अगर आप अपने आप को बचाने के लिए अपने डिफेंस में करते हैं, चाहे वो ऑफेंस ही क्यों ना हो, लेकिन वो ऑफेंस नहीं होगा सेक्शन 96 के मुताबिक, अगर आप अपने आप को बचाने के लिए या किसी दूसरे को भी बचाने के लिए, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी को महफूज करने के लिए या बचाने के लिए नुकसान से, अगर आप उसे रॉन्ग डूअर को या फिर जो आपके ऊपर हमला करता है, अगर आप उसे जान से भी मार देते हैं, तो आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। सेक्शन 97 ये जनरल प्रिंसिपल है। सेक्शन 96 जो है ये एक जनरल प्रिंसिपल है। कोई भी ऐसा एक्ट जो आपने अपने आप को बचाने के लिए परफॉर्म किया वो ऑफेंस नहीं। उसके बाद हम देखते हैं काइंड्स, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इसकी किस्में कितनी है। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। हर शख्स को राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है, लेकिन इसके लिए सेक्शन 99 में कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई हैं। इन शरायत के तहत या जिन हालात में आप अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। सेक्शन 99 में जो शरायत रख दी गई हैं, उनके तहत आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज आपको पूरा पूरा इख्तियार है कि आप अपने बचाव के लिए चाहे किसी शख्स की जान भी ले लें। अब किस्में कौन सी हैं? फर्स्ट हिज ऑन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन Against any offense affecting the human body, कोई भी ऐसा एक्ट जिसका मकसद किसी इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाना है, चाहे उसको किसी तरह का कोई grievous hurt cause करके या उसकी जान लेने से, दोनों सूरतों में चाहे उसकी अपनी बॉडी है चाहे किसी दूसरे शख्स की बॉडी है, वो बचाव के लिए right of private defense exercise कर सकता है। नंबर दो, secondly, the property. सबसे पहले आगे बॉडी की बात और अब आ रही है प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अक्सर इंटरव्यू में या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस प्रॉपर्टी के लिए एक्सरसाइज किया जा सकता है, मूवेबल या इमूवेबल। तो आंसर है बोथ, मूवेबल एंड इमूवेबल। दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, मूवेबल और इमूवेबल, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, अगेंस्ट एनी एक्ट व्हिच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। फर्स्ट में कहता है हिज ऑन बॉडी, उसका अपना जिस्म, यानी अपनी उसकी जान, अपना जिस्म,
एंड द बॉडी ऑफ एन अदर पर्सन, या फिर किसी दूसरे शख्स की भी, कोई भी राहगीर है, कोई रिश्तेदार है, या उस शख्स का दोस्त, कोई साथ चल रहा है, ना भी साथ चल रहा हो, वैसे ही आप सड़क पे कहीं पे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, अगर कोई शख्स किसी के जान लेने के दर पे है, किसी को नुकसान पहुंचाने के दर पे है, तो आप उस शख्स की जान बचाने के लिए भी या उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकेंगे। सेकेंडली बात कर रहे थे कि कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल है या फिर इमूवेबल है, चाहे वो आपकी अपनी है, चाहे वो किसी भी दूसरे किसी भी शख्स की हो, और जो उस प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंस हो रहा है। ऑफेंस कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन, एक तो थेफ्ट हो गया, दूसरा रॉबरी है, मिसचीफ है, और क्रिमिनल ट्रेसपास। ये चारों ऑफेंस जब कमिट किए जाएं, या फिर इनकी अटेम्प्ट, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। कोई शख्स थेफ्ट कमिट करता है या थेफ्ट कमिट करने की अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, तो दोनों सूरतों में उस प्रॉपर्टी के हिफाजत के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये चार किस्म के ऑफेंसेस यहाँ बता दिए गए हैं सेक्शन 97 में, चार किस्म के ऑफेंसेस नोट कर लें, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, चाहे इन ऑफेंसेस को कमिट कर लिया जाए या फिर इनकी अटेम्प्ट की जाए, इनको कमिट करने की कोशिश की जाए, दोनों सूरतों में। ये नहीं कि चोरी कोई करे या कर ली है कंप्लीट तो फिर ही आप अपना प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, बल्कि अगर कोई पूरी कोशिश में है चोरी कर ली जाए या रॉबरी करने की, कोई आके गन पॉइंट से आपको चीजें आपसे छीनने की कोशिश करता है, और आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पोजीशन में नहीं है तो फिर इस तरह की बेवकूफी बिल्कुल नहीं करनी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप ऐसी पोजीशन में हैं कि आप उस रॉबर को, आप उसको दबोच सकते हैं, तो फिर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए अगर उसकी जान भी ले लेते हैं तो फिर भी आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। सिर्फ 2 मिनट अजान का वेट करेंगे हम।
जी अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सेक्शन 97 तक। पीपीसी के सारे सेक्शन हम लोग नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे सिर्फ चैप्टर्स करेंगे। सारे सेक्शन तो इसके 511 हैं, 511 सेक्शन करते करते आपको पता है फिर आप लोगों ने उतार जाना है। और खैर 511 जो इसके सेक्शन है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट हैं हम सिर्फ वही करेंगे जी। उसके बाद सेक्शन 98 है, सेक्शन 98 पे हम स्टार्ट करेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, यानी ऐसा एक्ट जो वैसे अगर देखा जाए तो वो एक ऑफेंस होता है, इज नॉट दैट ऑफेंस, लेकिन उससे ऑफेंस नहीं कह सकते हम। बाय द रीजन ऑफ द यूथ द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। ऑफेंस क्यों नहीं कहेंगे, ये जो रीजन यहाँ पे लिख दी गई हैं, पहली बात बाय द रीजन ऑफ द यूथ, यानी कि वो कम उम्री की वजह से ऑफेंस कमिट किया जा रहा हो तो डिमांड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई दिमागी तौर पे कमज़ोर है फैक्ट्स को या सर्कमस्टांसिस को या फिर अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसिस को नहीं समझ पाता, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर कोई मखबूतुल हवास है, पागल है, इंसेन है, और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट थिंग या फिर वो किसी नशे की हालत में है। तो इसके अलावा एक और है रीजन यहाँ पे, ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, या फिर अगर वो किसी तरह की गलत फहमी का शिकार हो जाता है, मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट, किसी फैक्ट को समझे सोचे बगैर, समझ कुछ और रहा है लेकिन फैक्ट निकलता कुछ और है। तो इन सारी सिचुएशंस में अगर कोई शख्स कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, हालांकि नॉर्मली हालात में वो ऑफेंस तसव्वुर किया जाता है, लेकिन इन हालात में हम उसे ऑफेंस नहीं समझते। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट व्हिच ही वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ पे जो 5-6 सिचुएशंस दे दी गई हैं, उन सिचुएशंस को देखते हुए हम कहते हैं कि इन इन लोगों ने अगर कोई ऑफेंस कर भी दिया है, कोई एक्ट कर भी दिया है, तो वो ऑफेंस नहीं है। हालांकि समझ बूझ रखने वाला शख्स अगर ऑफेंस करेगा तो हम कहेंगे कि इसने ये जुर्म किया है या इसने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब अगर ऐसा कोई भी शख्स कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो भले ही देखने में जुर्म हो या ना हो, लेकिन दूसरा शख्स जिसके खिलाफ वो एक्ट किया जा रहा हो या जिसके खिलाफ जिसको वो एक्ट अफेक्ट कर रहा हो, वो शख्स इन 5 लोगों के खिलाफ अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक नॉर्मल शख्स कोई ऑफेंस कमिट करता हो। एक पागल है, पागल ना हो, छुरी उठा के आपके पीछे भागता जा रहा है, आपको कत्ल करने के दर पे है, नॉर्मल शख्स हम कहेंगे कि नॉर्मल है, समझता है, छुरी उठा के किसी को कत्ल करने जा रहा है तो हम उसे कत्ल कर दें वरना वो हमें कत्ल कर देगा। अब अगर वही शख्स पागल है, छुरी उठा के आपके पीछे भागता आ रहा है, तो तब भी आपको उसी तरीके से इन द सेम मैनर आप उसे भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए कत्ल कर सकते हैं, उस पागल शख्स को भी या कोई भी शख्स इन 5 सिचुएशंस में अगर वो फाल करता है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उसके खिलाफ भी बिल्कुल ऐसे ही अपना डिफेंस कर सकते हैं जैसा एक नॉर्मल शख्स के खिलाफ कर सकते होंगे। क्लियर? आज ये पीपीसी कर लें, उसके बाद फिर हम टाइम बच जाएगा तो फिर पास्ट पेपर भी करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारा पास्ट पेपर में लग जाता है और पीपीसी हमारी बेचारी अधूरी रह जाती है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 99। सेक्शन 99 में रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, पाबंदियां दे दी गई हैं यहाँ पे। इन पाबंदियों को मद्देनजर रखते हुए ही आप अपना डिफेंस कर सकते हैं।
पाबंदियां कौन कौन सी हैं यहाँ पे? सबसे पहले, there is no right of private defence against an act which does not reasonably cause the apprehension, reasonably मुनासिब माकूल हद तक the apprehension of death or of grievous hurt, if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under the color of his office. अब यहाँ पे बात हो रही है acting in good faith and under the कलर ऑफ हिज ऑफिस, यानी वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर वो कोई ऐसा एक्ट करे तो पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं हो रही. ऑफिशियल कैपेसिटी में, दो दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइएबल बाय द लॉ, चाहे उसका जो एक्ट उसने परफॉर्म किया है उसे हम हर पैमाने से कानून के मुताबिक अगर नहीं भी ला सकते, हर तरीके से उसे हम कानून के मुताबिक ना भी कह सकें, फिर भी अगर वो शख्स अपनी ऑफिशियल ड्यूटी सर अंजाम देते वक्त इन गुड फेथ अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी दूसरे शख्स की डेथ काज होती है, या डेथ काज करने की नियत ना हो, या उसे ग्रीवियस हर्ट काज करने की नियत ना हो, तो उसके खिलाफ भी हम अपना जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे. इसकी एग्जांपल क्या है, जिस तरह एक शख्स, एक चोर है, चोरी करके भागता है और पुलिस वाला उसको गिरफ्तार करने के लिए पीछे जाता है. अब पुलिस वाले की नियत क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करने की, ना तो एप्रीहेंशन डेथ है यहाँ पे और ना ही एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट है, सिर्फ उसको गिरफ्तार करना है. और गिरफ्तार करने के लिए अगर वो पुलिस ऑफिसर नेक नियति के साथ उसकी टांग में गोली चला देता है, उसको जख्मी कर देता है, टांग पे गोली लग जाती है, तो अब महज इस वजह से वो चोर अपना जो है पुलिस वाले के ऊपर वो फायरिंग खोल दे कि जी ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा मैंने जो गोली चलाई वो तो अपने प्राइवेट डिफेंस में चलाई, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ चोर को कोई राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस या अपना बचाव करने का. दूसरा, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. अब ऊपर पब्लिक सर्वेंट खुद मौजूद था, लेकिन यहाँ पब्लिक सर्वेंट अगर किसी दूसरे शख्स को डिप्यूट कर देता है, चोर है, दो तीन हैं, एक पुलिस वाला है, अब अकेला दो तीन चोरों को नहीं पकड़ सकता, वो क्या करेगा, किसी और की भी ड्यूटी लगा देगा, गली में, मोहल्ले में किसी शख्स को कह देगा कि मैं इधर से पकड़ता हूँ, तुम इधर से पकड़ो, तुम दूसरे को पकड़ लो, मैं पहले को पकड़ लूँ. अब उस शख्स ने अगर किसी चोर को पकड़ना है, हर हाल में पकड़ना ही है, या कोई डाकू है उसको पकड़ना है, और वो उसे कोई जख्म लगा देता है, तो वो चोर उस शख्स के खिलाफ भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे डायरेक्शन मिली हुई है पब्लिक सर्वेंट की, लेकिन हो वो भी गुड फेथ, जो डायरेक्शन दी गई है गुड फेथ में दी गई हो और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए दी गई हो. तीसरी सिचुएशन है यहाँ पे, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन व्हिच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज. अगर आपके पास मुनासिब टाइम है, आप किसी पुलिस वाले को कॉल कर सकते हैं, आप किसी ऐसे इदारे में आप जो है वो उनको अपने बचाव के लिए बुला सकते हैं और उनके पास टाइम भी है आने का, तो आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन ना रह जाए. सामने से एक शख्स आ रहा है कुल्हाड़ी उठा के, वो शख्स सामने से आ रहा है और बिल्कुल आपके साथ में ही थाना है, आप थाने में एंटर हो सकते हैं इससे पहले कि वो शख्स आप पर कुल्हाड़ियों के वार कर दे. थाने तक का फासला कम है, आप थाने में एंटर हो सकते हैं, या वहां पे अगर पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस की वैन खड़ी हुई है, आपका और उस पुलिस वैन का फासला कम है, आप सबसे पहले उसकी तरफ जाएंगे. लेकिन ये सोच करके जी आ रहा है छुरी लेके, अब आए सही, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी सूरत में आपने कोई अपना बचाव नहीं किया. उसके बाद है एक्सटेंट टू विच द राइट मे बी एक्सरसाइज्ड. राइट आप अपना दफा कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं,
लेकिन किस हद तक अपना बचाव कर सकेंगे. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट द पर्पस ऑफ डिफेंस. जितना नुकसान पहुंचाना जरूरी होगा सिर्फ उतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, उससे ज्यादा आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते. मसलन एक शख्स डंडा लेके आता है आपको मारने के लिए, आपके पास भी डंडा अगर है तो आप उसको उस डंडे के साथ उसे टोकने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि उसके पास डंडा है और आप गन लेके पहुंचे हों कि ठीक है आ तो डंडे से मार, मैं तो आगे से पिस्तौल पकड़ के बैठा हुआ. और दूसरी बात ये कि अगर वो निहत्ता हो जाता है, उसका हथियार चाहे वो कोई भी है, चाहे वो गन लेके आता हो चाहे वो डंडा लेके आ रहा हो, अगर वो निहत्ता हो जाता है तो निहत्ता होने के बाद आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसे मारें या आप उसे जख्मी करें या उसकी जान लें. तो जिस हद तक जरूरी है आपको अपनी जान बचाने के लिए, सिर्फ उस हद तक आप अपना वो राइट इस्तेमाल कर सकते हैं. महज किसी दूसरे को इस वजह से कि वो आपके ऊपर हमला करने के लिए आ गया था, आप अपना सारा जो भी कीना है, जो आप अपनी अपना जो गुस्सा है उस पर निकाल दें और बाद में कहें कि जी ये तो मुझ पर हमला करने आया था और मैंने इसको अपने डिफेंस में मारा. सेल्फ डिफेंस सेक्शन 99 की बात कर रहे हैं आप. देखिए सेक्शन 99 के बारे में बात ये हो रही है, ये तीन सिचुएशंस हैं आपके पास के हत्तुल इम्कान आपने कोशिश करनी है कि आप किसी की जान ना ले. ठीक है जी, जो आया उसको आपने